बहुत खराब लगता था, बदबू भी आता था नाली से, बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर बहुत पैदा होते थे। हमारे सामने वाले जो गली है वो भी बहुत गंदगी रहता है, बहुत नाली से सिवर जाते हैं, और किराएदार भी बहुत है वहाँ एकदम। एक एक बिल्डिंग में कम से कम 200-300 लोग रहता है, तो गंदगी बहुत होता है। मेरा नाम अनीता है, मनी अशोक नगर सी ब्लॉक में रहती हूँ, गली नंबर 9 में। सफाई का तो यहाँ बहुत ही गंदगी रहती थी, अभी तो महीने में एक आध बार आ जाती है गाड़ी तो सफाई कर जाती, नहीं गली का तो खैर बहुत बुरा हाल है। ऊपर छता एक ही है, इसमें पूरा कूड़ादान बना पड़ा है, ऊपर से नीचे तक 3 मंजिले देखो ना, यहीं से गली में ही दिख रहा है। मेरा नाम रेखा है, मैं सीवन 15 में रहती हूँ, मैं घर खाता कामगार हूँ। बहुत सारा कचरा भी पड़ा रहता था, गाड़ी लेने आती नहीं, कभी आ गई कभी नहीं आई, हमको जाके नाले पे भी डालना पड़ता था। अब फिलहाल ठीक है, हम तो वैसे भी साफ़ सफाई करना चाहते हैं, और फिर साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारे बच्चे और हमको भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बीमारी भी नहीं फैलेगी। नमस्कार जी, मैं न्यू अशोकनगर से रजनी पांडे, निगम पार्षद। हमने अपने हर एक ब्लॉक का ग्रुप बनाया और किसी की जनता की किसी की भी समस्या उस ग्रुप में लोगों ने डाली और उस समस्या का समाधान तुरंत हुआ, जिससे कि लोगों को कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़ा, घर घर जाके उनको सफाई के बारे में बताया और उन लोगों से सभी जनता से आग्रह किया कि आप जो है कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, और समय समय पर कूड़े की गाड़ी आती है, आप कूड़े की गाड़ी में ही डालें। नमस्ते, मेरा नाम सरिता चौहान है और मैं न्यू अशोकनगर एरिया से हूँ। मैं सेवा में घर खाता कामगार बहनों का, जो घर खाता कामगार अभियान चल रहा है उसमें बहनों का संगठन बनाना, उन्हें सदस्य बनाना और बहनों के साथ मीटिंग करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये मेरा काम। तो हमारा न्यू अशोकनगर एरिया है जो, वहाँ पे हम एक सफाई अभियान भी चला रहे हैं अपनी घर खाता कामगार बहनों के साथ, जिसे हमने एक नाम भी दिया है, कूड़ा कचरा निपटान अभियान। तो हम लोग जैसे सफाई करवाएं यहाँ पे, फिर वापस आप लोग ध्यान रखोगे अपनी गली का सफाई का? रखेंगे रखेंगे, है ना, फिर आप लोगों को हमेशा सफाई रखनी है। फिर हम लोग भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कुछ करें, डस्टबिन वगैरह दें। जानते हो डस्टबिन में कूड़ा डाला जाता है? डस्टबिन में पता है आप लोगों को? डस्टबिन में तो डाला जाते हैं लेकिन सबको नहीं पता है। तो आप लोगों को डस्टबिन में लें अगर, तो डस्टबिन में कूड़ा डालना, और गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग डालते हैं, ठीक है? पता है? नहीं बहन, इसके बारे में तो नहीं पता। एक ही में डाल के आते हैं। गीला कूड़ा अलग डस्टबिन में डालते हैं, सूखा कूड़ा अलग में। हमें लोगों को इन चीज़ों का साफ सफाई के साथ ध्यान रखना है कि सूखा कूड़ा हरे में डालना है और गीला कूड़ा नीले में डालना है, ठीक है? और कुछ पूछना आप लोगों को? नमस्ते, मेरा नाम ममता है, मैं न्यू अशोकनगर दिल्ली में रहती हूँ और मैं घर खाता कामगार। पहले भी गलियाँ बहुत गंदी रहती थी, अब जैसे कभी वो होता है, गाड़ी आती है कूड़ा उठा करके ले जाती है, जैसे कभी नहीं आई, गंदी है गली, तो फिर वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है सेवा का, उसमें सच उसका गली साफ करने वाला, उसमें वो करके दूसरे दिन उठा करके ले जाता है। अब डस्टबिन बांटे गए हैं तो डस्टबिन लोग डस्टबिनों में कूड़ा डाल रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर सेवा दिल्ली में सरिता बहन है, उन्होंने डस्टबिन सेवा दिल्ली सबको डस्टबिन मिला है और सफाई का वो किया है, तो सब लोगों को बांटा गया है। गली में ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। गली में ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में।